भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर दो फैसले किए गए। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो, जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। सो फ्रॉम 1st of April एनीबडी हु इज ओवर 45 एज विल गेट वैक्सीनेशन इवन दो ही हैज नो कोमॉर्बिडिटीज। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरा भी निर्णय लिया वैज्ञानिक आधार पर, टास्क फोर्स के सलाह से, कि जो वैक्सीन के दरमियान, ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए दूसरा डोज, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। इसलिए हमारी सबको दरख्वास्त है कि जो भी 45 के ऊपर है, सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करे। और एक और बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था। और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले। और 45 से ऊपर कोई भी हो, उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा।